अगर आप ये चाहते हैं कि आपको फ्री वाटरमार्क वाला, विदाउट वाटरमार्क वाला काइन मास्टर चाहिए, या कि कोई भी जो एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर वीडियो एडिटिंग करती है वो विदाउट वाटरमार्क, वो आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है। मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूं और उस वेबसाइट से जाकर आप डाउनलोड करके तो विदाउट वाटरमार्क अपनी वीडियो को एडिटिंग कर सकें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद अशरफ, आप देख रहे हैं MSTV यूट्यूब। आजकल तकरीबन हर ही बंदा जो है जो एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करता है या कि आईफोन इस्तेमाल करता है तो मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म के लिए वो वीडियो वगैरह शूट करते हैं, और जब भी आप वीडियो को शूट करके उसकी अच्छी से एडिटिंग ना कर लें तो उसे अपलोड करने को दिल नहीं करता और ना ही उस वीडियो में वो मज़ा आता है या कि लोगों की तवज्जो भी उस तरफ नहीं जाती। जितनी वीडियो आपकी अच्छी होगी, जितनी अच्छी एडिटिंग की हुई होगी, इफ़ेक्ट्स डाले होंगे, फ़िल्टर अच्छे लगाए होंगे, तो आपकी वीडियो ज़्यादा वायरल भी हो सकती है और ज़्यादा लोग उसे तवज्जो से देखेंगे भी। तो अगर किसी भी किस्म के आप वीडियो बनाते हैं, टिकटॉक के लिए बनाते हैं, यूट्यूब के लिए बनाते हैं, दीगर सोशल प्लेटफॉर्म के लिए बनाते हैं, तो उसमें जो मेन रोल होता है वो एडिटिंग का होता है, और उससे ज़्यादा भी जो रोल होता है वो आपके दिमाग का होता है। अगर आपके पास अल्लाह ने दिमाग दिया हुआ है, आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो इसमें कसूर आपका है, आपके फ़ोन का नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं इस वक्त प्ले स्टोर पर भी दस्तयाब हैं, इसके अलावा भी गूगल की मुख्तलिफ वेबसाइटों पर आपको मिल जाएंगी जो कि एडिटिंग के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खिदमात दे रही हैं, और जिसमें काइन मास्टर, फिल्मोरा और पावर डायरेक्टर वगैरह जो कि एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर इस्तेमाल होने वाली सबसे बेस्ट एप्लीकेशनें हैं, और इसी तरह से वीडियो शो वगैरह ये भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और इनमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि अगर कोई भी बंदा प्ले स्टोर से इन्हें जब डाउनलोड कर लेता है तो उसके पास जब वो वर्क करता है तो वाटर मार्क आ जाता है, और वाटर मार्क को ख़त्म करने के लिए आपको पैसे भरने पड़ते हैं, और अगर फ्री वर्जन आप कहीं से तलाश करते हैं तो वो इतना आसानी से हर बंदे को नहीं मिलता। तो इसी से मतलब आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ जिसमें बहुत सारे फ्यूचर हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, साउंड इफ़ेक्ट्स, और इसके अलावा फ़िल्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, और थोड़ा सा मैं इस पर वर्क करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये काम करती है। तो इसका अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो इससे मतलब भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वहाँ से जाकर आपने इसे कर लेना है डाउनलोड। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आपके सामने शो होगा, और जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको पढ़ लेना है, और उसके बाद इन्हें एक्सेस दे देनी है, और फिर यहाँ पर आपके पास न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आता है, इस पर आप जो ही क्लिक करते हैं आपकी गैलरी ओपन हो जाती है, और यहाँ पर अगर आप फोटो इसमें ऐड करके स्लाइड वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको मिलेगा, और अगर इसके साथ साथ किसी वीडियो को एडिट करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर वो भी मिल सकता है। हम यहाँ पर एक वीडियो पर क्लिक करते हैं, एक से ज़्यादा भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, और एक वीडियो को आप एक वक्त में अपलोड करके ऐड करके उसके बाद दूसरी को भी उसके ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन भी है, तो ये तमाम तर चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वीडियो हमने यहाँ पर डाल दी है, तो कुछ इस तरह से ये आपके फ़ोन में शुरू में प्ले होगी। यहाँ पर नीचे आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है, आगे आपको ऑडियो का ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी मर्ज़ी का कस्टम ऑडियो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन है, स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं, और इफ़ेक्ट्स वगैरह, फ़िल्टर वगैरह वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम टेक्स्ट पर जाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है इसके अंदर। अगर ऐड टेक्स्ट पर हम जाते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ भी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी जो एप्लीकेशन है उनके अंदर आप का जो डाउनलोड किया हुआ कीबोर्ड है वो वर्क नहीं करता, मोबाइल का अपना जो कीबोर्ड होगा वही वर्क करेगा, लेकिन इसमें कोई भी जो है वो वर्क करेगा। तो यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं, और यहाँ पर इसको हमने ऐड कर दिया है। अब इसको मज़ीद आप इसमें अगर इसके स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इसमें आपको स्टाइल मिल जाएंगे, पूरा इसको कवर करना चाहें तो ये भी आप देख सकते हैं, और कहाँ पर आप इसे लगाना चाहते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो यहाँ पर फॉन्ट वगैरह हैं वो भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर इसकी जो टाइपिंग है उसमें, और बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर फ्यूचर दिए गए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल हैं मुख्तलिफ़ ज़बानों में, तो कोई भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं।
डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे से आपने बैक जाना है और आगे स्टिकर ऐड करना चाहते हैं, इफ़ेक्ट्स वगैरह डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पर इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें आपको साउंड इफ़ेक्ट्स भी मिल जाते हैं, जिसमें अगर आप किसी के साथ मतलब फाइट वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसमें किसी को अगर तमांचा लगता है तो वो तमांचे की आवाज़, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स वगैरह बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर साउंड इफ़ेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ फ़िल्टर आप लगा सकते हैं और एडजस्टमेंट इस पूरी वीडियो की जो लाइट वगैरह ये वो तमाम आप यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर फीचर है और एडिट पर जाकर आप इसके अंदर ही टाइम वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी वीडियो मुकम्मल हो जाएगी तो यहाँ पर आपकी इसी ऐप के अंदर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपने इसे डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, रीनेम भी दे सकते हैं और यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। सेव करना चाहें तो आपने ऊपर जो सेव का ऑप्शन है वहाँ पर एरो पे क्लिक करना है और जाकर आपने सेव कर लेना है। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग से मतलब कि मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं वो वीडियो शो का इस्तेमाल करते हैं और वीडियो शो में वो सिर्फ तस्वीरों को स्लाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा काम किए जा सकते हैं। वीडियो में इसमें बनाने वाला नहीं था लेकिन मैंने कहा कि चलो इस पर भी कुछ बात कर ली जाए। तो इसके अंदर अगर इब्तदाई तौर पर हम देखें तो सबसे पहला जो हमें ऑप्शन मिलता है वो ट्राइम का मिलता है, इसके अलावा कंपोज़र का मिलता है, वीडियो टू ऑडियो का मिलता है, कन्वर्ट का मिलता है। यहाँ पर सबसे अहम जो चीज़ है, कोई भी पार्ट अगर आप शूट करते हैं वीडियो का, वीडियो आपकी लंबी हो जाती है या स्टार्टिंग में जो मोबाइल आप ऑन करके रखते हैं फिर आके बैठते हैं फिर वीडियो शूट करते हैं, वो हिस्सा जो है वो आप डिलीट करना चाहते हैं, या कि लास्ट में जहाँ पर आप अपनी वीडियो को एंड कर देते हैं उसके बाद जाते हैं मोबाइल की तरफ और फिर आप वहाँ पर स्टॉप करते हैं, तो वो वाले जो फालतू पार्ट हैं इधर भी उधर भी वो आप यहाँ से ट्राइम करके डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो कंप्रेस का ऑप्शन है तो इस पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी जो वीडियो बनी हुई है वो हाई क्वालिटी की बनी हुई है तो उसको आप थोड़ा सा लो करके तो उसकी जो एमबीज वगैरह हैं वो भी कम कर सकते हैं। अगर आप किसी को कोई वीडियो भेजना चाहते हैं वो लंबी होने की वजह से, यानी कि उसकी जो रेजोल्यूशन हाई है, तो वो आप कम भी कर सकते हैं यहाँ पर ऐड करके। इसके अलावा कोई भी वीडियो है उसको आप ऑडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो टू ऑडियो पे आपने क्लिक करके तो यहाँ पर आप इससे भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप के अंदर भी बहुत सारी इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रो में भी हैं, फ्री में भी हैं, वो सब आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर फिर भी आप ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं तो सबसे बेस्ट जो है वो काइन मास्टर ही है, इससे बेहतर एप्लीकेशन एंड्रॉयड फ़ोन के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन काइन मास्टर का भी मसला यही है कि फ्री में आपको मिलना बहुत ही मुश्किल है, वो आपको प्रो करना पड़ेगा तभी जाके वाटरमार्क ख़त्म होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको फ्री वाटरमार्क वाला, विदाउट वाटरमार्क वाला काइन मास्टर चाहिए या कि कोई भी जो एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर वीडियो एडिटिंग करती है वो विदाउट वाटरमार्क वो आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है, मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूं और उस वेबसाइट से जाकर आप डाउनलोड करके तो विदाउट वाटरमार्क अपनी वीडियो को एडिटिंग कर सकें। तो इस तरह की मालूमती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।